जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। मैं डॉक्टर सोमात्री, जनरल सेक्रेटरी डेरे स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट पठानकोट से बात कर रही हूँ। आज हमारे यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी का निर्वाण दिवस और गद्दी के इतिहास से जुड़े ब्रामले परम पूज्य संत श्री श्री 108 स्वामी श्रृंगारा गिरि जी महाराज जी का निर्वाण दिवस मनाया गया। और ये वार्षिक भंडारा हर साल ही जून महीने के दूसरे रविवार सुबह 9 बजे मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही गर्मी होती है और इस गर्मी के मौसम के कारण इसका समय सुबह का रखा गया है। परंतु ये श्रद्धालु दूर दूर से जो आते हैं वो 2-3 दिन पहले ही आना शुरू कर देते हैं और उसके बाद भी 2-3 दिन रहते हैं। और इस श्रद्धालु ऑल ओवर इंडिया से और यहाँ तक के विदेशों से भी आते हैं। डेरा स्वामी जगतगिरि ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो परम पूज्य संत श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी की रहनुमाई में चलता है। और डेरा स्वामी जगतगिरि ट्रस्ट का ये उद्देश्य है कि सतगुरु रविदास जी की वाणी को अमली जामा पहना। सतगुरु रविदास जी ने कहा था, माधो अविद्या हित के विवेक दीप में ले, बिना विद्या के जो हमारा विवेक रूपी दिया है वो मैला हो जाता है। और इसी उपलक्ष्य में स्वामी जगतगिरि आश्रम में और आले द्वारे जे एंड के फरीदाबाद, यहाँ पंजाब में अंदौर, जे एंड के में जसमा, जगह जगह स्कूल चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को गुरु जी की वाणी के अनुसार विद्या प्राप्त मिल सके। और ये शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी उनको दी जाती है, ताकि आजकल जो बच्चे जिनकी जो मॉरल वैल्यूज दिन ब दिन गिरती जा रही है और नशे में पड़ रहे हैं, अनेक प्रकार के विकार उनमें आ रहे हैं, उनसे बच्चे बच सके। इसी उपलक्ष्य में यहाँ हॉस्टल भी चल रहा है और उस हॉस्टल में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे पब्लिक स्कूलों की एजुकेशन महंगी नहीं प्राप्त कर सकते वो यहाँ फ्री पढ़ते हैं और यहाँ का रहना सहना सब उनके फ्री होता है। इसी के अतिरिक्त महाराज जी स्वामी गुरुदेव गिरी जी, जिनका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज करना, तो वे बच्चों को नशा मुक्त करते हैं। और लाखों श्रद्धालु जो इस आश्रम और गुरु जी के साथ जुड़े हैं वे नशे से मुक्त हैं। ये आज के जीवन में बहुत बड़ी बात है। नौजवान वर्ग जो जुड़ा है वो लगातार मेहनत कर रहा है और लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा कर रहा है, क्योंकि अज्ञानता के कारण हम कई कर्म कांडों में पड़ जाते हैं, कई अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं। लेकिन सतगुरु रविदास जी की वाणी जो कर्म कांडों से हमें दूर भगाती है और ऐसे अंधविश्वासों से मुक्त करती है, ये डेरा स्वामी जगतगिरि ट्रस्ट भी उसी उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है और किसी कर्म कांड की यहाँ बात नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त यहाँ हमारे बीच में 2-3 प्रोजेक्ट जो आश्रम की ओर से चलाए जाएंगे और अभी कुछ ही समय तक पूरे होंगे, जैसे आयुष का एक बहुत बड़ा सेंटर हम खोल रहे हैं पठानकोट की थोड़ी ही दूरी पर, लगभग 20-25 किलोमीटर पर बेगमपुरा धाम उसका नाम है। और वहाँ आयुष के अनुसार नेचुरल पैथी, होम्योपैथी और तरह तरह के ऐसे ट्रीटमेंट करवाए जाएंगे जिनकी आज का लोगों को जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि ये सेंटर पूरे भारत में एक इस प्रकार का सेंटर बनेगा, यहाँ लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए अवश्य पहुँचेंगे। इसके साथ साथ हमारे ये सामने वर्ल्ड पीस टेम्पल है और ये वर्ल्ड पीस टेम्पल एक यादगार है। ये सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम पर वर्ल्ड पीस टेम्पल है। इसके 4 दरवाजे हैं, 108 फीट ये ऊंचा है और ये चारों दरवाजे हम इसलिए यहाँ रखे हैं कि हर धर्म के, हर वर्ण के और हर तरह का व्यक्ति यहाँ आकर एक मानसिक शांति प्राप्त करता है। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक तरफ हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ जे एंड के लगता है और पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये त्रिवेणी के बीच में एक पर्यावरण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ,
मौसम सुहावना है और ये सारा कुछ इसके कारण है, सतगुरु रविदास महाराज जी की बख्शिश है। मुझे लगता है कि डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम ही एक पूरे भारत में ऐसा आश्रम है जो नेशनल हाईवे पे है और इस तरह का जो वातावरण है बिल्कुल जहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है और आने जाने में भी कोई मुश्किल नहीं है। नेशनल हाईवे भी होने के कारण रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और बस स्टैंड तो बिल्कुल 0 पॉइंट पर यहाँ पे बस रुकती है, जिसमें कहीं से भी आने वाले संगत को किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के निर्वाण दिवस पर सभी को यही संदेश देना चाहती हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें ऐसी वैज्ञानिक सामग्री दी है अपने शब्दों के माध्यम से, 40 शब्द और 1 श्लोक ही उनका ऐसा ज्ञान से भरपूर है कि यदि हम उनकी वाणी के अनुसार चलें, कर्मकांडों से रहित रहें, नशे से दूर रहें। उन्होंने कहा था कि अगर गंगा जल की भी शराब हो तो कभी भी नहीं पीनी चाहिए, हमें नशे से मुक्त रहना चाहिए, बच्चों को अज्ञानता से दूर करना है और उनकी विद्या पर विशेष तौर ध्यान देना है और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाना है, कभी भी किसी के पीछे बिना सोचे समझे नहीं लगना है, समाज के बीच में एकता और संगठन की बात करनी है। इसी विचारधारा के साथ आज हम निर्वाण दिवस की समाप्ति करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि सतगुरु स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी जो न केवल देश में ही बल्कि विदेशों में भी जाते हैं और वहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का घर घर प्रचार करते हैं। अभी अभी 2 बार यूरोप होकर आए हैं और ना जाने कितनी बार इंग्लैंड और अमेरिका में भी गए हैं, इस प्रकार मॉरिशस में भी महाराज जी के गए हैं, तो लगातार विदेशों में आना जाना लगा रहता है और महाराज जी की कथा और वाणी में इतनी मिठास है, इतनी मौलिकता है कि किसी की नकल नहीं है। और डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम इनकी रहनुमाई में ऐसी किताबें भी प्रकाशित करता है और एक दीप प्रकाश पत्रिका जो मंथली निकलती है उसमें गुरु जी की विचारधारा को सार्थक रूप से दर्शाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम जो विचारधारा का आकर्षण है, यहाँ जब भी आपको समय मिलेगा जरूर यात्रा के दर्शन करना। जो केशव टंडा जी है उन्होंने इस आश्रम के बारे में वहाँ तो सुना ही हुआ था, लेकिन जब ये वो आश्रम में आए तो ये सारा कुछ देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ स्कूल है, बच्चे मुफ्त एजुकेशन पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही इस आश्रम को चलाने में अपना योगदान दिया। अभी अभी हाल में ही उन्होंने 2-3 मशीनें दी हैं, आटा और गूंदने वाली और फुलके बनाने वाली, ताकि हॉस्टल के बच्चों की सुविधा हेतु और जो भी संगत आते हैं उनको ये सुविधा हो के आराम से लंगर मिल सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो बसों का योगदान है हमारा, जो बच्चों को ले जाने और आने का है, उसमें भी उन्होंने विशेष योगदान डाला है। और इससे भी बड़ी बात कि जब उन्होंने स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी को पास से देखा, उनके कार्यों को देखा, आश्रम को देखा, तो यूरोप में उनको ले जाने का बहुत ही बड़ा प्रयास किया और यूरोप के जितने कंट्रीज थे वहाँ वो साथ रहे और साथ रहकर उन्होंने दिन रात एक करके उन लोगों तक पहुँचाया। यहाँ अकेले शायद महाराज जी ना पहुँच पाते, तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। अभी अभी 2-4 दिन पहले मेरी बात हो रही थी उनके साथ, तो वो अनेक स्टेटों में जाकर, अनेक देशों में जाकर सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जहाँ भी उनको लगता है कि इस कम्युनिटी के लिए या बच्चों के लिए जिस चीज की जरूरत हो उसको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों के बाद वो फिर से यहाँ आएंगे और अभी बांग्लादेश में भी जाने की उनकी थोड़ी पेशकश है। तो केशव ढांडा जी से जैसे जो लोग अगर गुरु जी की विचारधारा के साथ जुड़ेंगे और वो जो सैलाब है गुरु जी के साथ जुड़ने का,
इस विचारधारा को फैलाने का मुझे लगता है वो जो बेगमपुरी का सपना है, संकल्प है महाराज जी का, शीघ्र ही न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छी तरह फैल सकेगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ न्यूज चैनल जो 22 लाइव न्यूज है और रविदासिया समाज पंजाब का, जो विशेषकर हर भंडारे में हर कार्यक्रम में यहाँ आते हैं और हमारी आवाज को गुरु जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाते हैं, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा साधन है जिसके माध्यम से हम दूर दूर बैठे भी हर किसी की वाणी को, हर किसी विचारधारा को सुन सकते हैं। सभी को जय हो।